वेल हेलो दोस्तों बुजुर्गों, मैं हूं आसान रहमान। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जुबिन का मोटर गैरेज में स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी। दोस्तों मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं जो मोबाइल फिल्टर है। मोबाइल फिल्टर की यह है जो मोबाइल लाइट जलता है चाबी ऑन करने के बाद। यह है मोबाइल लाइट वाला स्विच, यहाँ पर 7 नंबर बोल्ट लगा हुआ है यह है। और जो ये मोबाइल फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पर मोबाइल निकलता है। और देख लीजिए यह है सेल्फ को मैंने खोल लिया, सेल्फ का ये मेन वायर है देख लीजिए। और यहाँ पर मोबाइल फिल्टर लगा हुआ रहता है ये इसके, ये है 13 नंबर बोल्ट मोबाइल फिल्टर से मोबाइल आता है यहाँ से। और यह है फिर मोबाइल फिल्टर बोल्ट 13 नंबर यहाँ से फिर मोबाइल आता है सामने से जाता है हेड पोर्ट ऊपर। तो ये पोर्ट को खुलूँगी अभी। और जो इसका प्रॉब्लम है दोस्तों, ये जो मोबाइल फिल्टर लगा हुआ है इंजन के अंदर से जो मोबाइल आता है मोबाइल फिल्टर तक, इस यहाँ से गैस्केट है, वो गैस्केट को मैं चेंज करने वाला हूँ। ये मोबाइल निकल रहा है अभी, मैं ये दोनों बोल्ट को लूज़ कर लिया मैंने, देख लीजिए मैं खुल रहा हूँ। और अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना। आप लोग जितना लाइक करोगे उतना मुझे वीडियो बनाने का मन करता है, और लाइक नहीं करोगे तो मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। दोस्तों ज़रूर एक लाइक बनता है हर वीडियो के लिए, अच्छे अच्छे वीडियो इसे मेहनत करके मैं बनाता हूँ। और आप लोग लाइक नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे तो मुझे बनाने के लिए अच्छे नहीं लगता है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर लाइक कर देना। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अच्छे अच्छे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों 25% सब्सक्राइब करके देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करके 90% देखते हो लोग मेरे वीडियो। तो प्लीज़ जो लोग सब्सक्राइब नहीं करके देखते हो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर जो मोबाइल फिल्टर का 7 नंबर नट है इसको मैंने खोल रहा हूँ अभी, देख लीजिए। तो दोनों 13 नंबर बोल्ट को खोल लिया, 7 नंबर नट को फिर खोल लिया मैंने वायर का। तो उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 2 नंबर बोल्ट रहता है, इन दोनों को खुल कर मैं ये मोबाइल फिल्टर लगा हुआ रहता है इसको मैं खुल रहा हूँ, खुलूँगी देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर बोल्ट लगा हुआ है, इन दोनों को खुलना पड़ेगा। तो देखते हैं लास्ट तक वीडियो को। तो इन दोनों को मैं लूज़ कर लूँगी और खुल लूँगी पहले, उसके बाद दिखाऊँगी कहाँ से गैस्केट रहता है। तो लास्ट तक देखते रहिए, ज़रूर अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर दीजिए मेरे वीडियो। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करके देखते हो प्लीज़ आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करके देख लीजिए, ऐसा अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। तो दोस्तों देख लीजिए मैंने लूज़ कर लिया और अभी इसको खुल रहा हूँ 2 नंबर बोल्ट को। अब लोग देख लीजिए मैंने खुल रहा हूँ अभी, ये दोनों को खुलने में टाइम लगता है। तो बहुत सारा बहुत टाइट देकर रखा है तो, और आराम से खुलना ताकि थ्रेड ना टूट जाए, और आराम से टाइट देना ताकि स्लिप ना हो जाए। तो दोस्तों ज़रूर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर बनता है, आप लोग लाइक कर दीजिए। आप लोगों का एक लाइक के वजह से मुझे बहुत इम्प्रेस मिलता है, ज़्यादा इम्प्रेस मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो और आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को हेल्प करूँगी। देख लीजिए दोस्तों मैंने खुल लिया है बोल्ट को 2 नंबर, दोनों बोल्ट को अभी कंप्लीट खुल ले लिया। देख लीजिए, और यहाँ पर ये बाहर आ जाइए, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है देख लीजिए। ये वायर को ठीक से लेना है, ठीक करके लेना है, उसके बाद ऐसे बाहर आता है। तो देख लीजिए ये बाहर आ गया। तो ये गैस्केट है, गैस्केट टूट गया है इसलिए मोबाइल लीक कर रहा था। तो अब लोगों को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक लाइक बनता है। दोस्तों देख लीजिए मैंने खोल लिया और इसको अभी फिटिंग करने वाला हूँ मैं, और फिटिंग का कैसे करना है आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये मोबाइल फिल्टर लगा हुआ रहता है यहाँ पर, और देख लीजिए ये गैस्केट लीक हो रहा था इसलिए मोबाइल निकल रहा था। तो मोबाइल निकल पड़ेगी तो फिर आपका मोबाइल कम हो जाएगी और इंजन सीज हो जाने का चांस रहता है। ये गैस्केट जा कभी गया है तो फिर तो मोबाइल कम हो जाएगी तो इंजन सीज हो जाएगा। ये गैस्केट को चेंज करना होगा, मैंने इसको चेंज करूँगी अभी। तो दोस्तों
आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा तो वीडियो, तो एक लाइक ज़रूर कर दे रहा, और इसके अंदर की तरफ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये गैसकेट मैं लगाऊंगी, अभी फिटिंग करूंगी, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इस जो लगा हुआ रहता है गैसकेट, उसको साफ करके अभी लगाएंगे नया वाला गैसकेट। तो आराम से साफ करना, उसके अंदर जो गैसकेट का कचरा है उसके अंदर घुस ना जाए। तो देखते रहिए, और आप लोगों को फिर हेल्प हो जाएगी लास्ट तक देखने के लिए मेरा वीडियो। तो उम्मीद है आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा वीडियो देख लो, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करके देख रहे हो, वो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग सब्सक्राइब करके देख लीजिए मेरा वीडियो। और सब्सक्राइब करने में तो कुछ पैसा नहीं लगता है, तो अभी मैंने फिटिंग कर रहा हूँ, देख लीजिए दोनों बोल्ट को लगा लिया मैंने, फिटिंग कर लिया, और ये गैसकेट N18 से फिटिंग कर लिया मैंने। तो जो गैसकेट को आराम से फिटिंग करना, गैसकेट आराम से फिटिंग नहीं होगा तो फिर ऑयल फिल्टर तक नहीं आएगा, तो फिर भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आराम से फिटिंग करना गैसकेट को, जो क्या है मोबिल आना जाना जहाँ से होता है वो ठीक करके फिटिंग करना होगा आपको। आप लोग ठीक करके फिटिंग करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। तो मैं कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके कुछ प्रॉब्लम के बारे में पूछ लो, मैं आप लोगों को ज़रूर हेल्प करूँगी। आप लोग ऐसे मेरे को भी सपोर्ट करके रहिए, मैं आप लोगों को ऐसे हेल्प करते रहूँगी। और मैंने अभी ये टाइट कर लिया, ज़्यादा टाइट नहीं कर, लूज़ है, इसको भी टाइट करना होगा। एडजस्ट कर रहा हूँ अभी, इसके गैसकेट को एडजस्ट कर रहा हूँ, देख लीजिए। आप लोग आराम से एडजस्ट करके फिटिंग कर दीजिए, जो मोबिल आना जाना है वो आराम से आ सके और जा सके। तो अभी तो देख लीजिए, मैं टाइट कर रहा हूँ, जो ये पाइप है पाइप भी फिटिंग होना चाहिए आराम से, और जो बिंजू बोल्टू है बिंजू बोल्टू को आराम से टाइट देना ताकि टूट ना जाए, और बिंजू वॉशर भी देना ज़रूरी है। बिंजू वॉशर नहीं दोगे तो फिर आपका मोबिल लीक हो सकता है। तो दोस्तों, जब मोबिल लीक करेगा तो सबसे पहले बिंजू बोल्ट को देखना, और उसके बाद गैसकेट भी चेक करना। और देख लीजिए, ये बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा नहीं देता है, इसलिए ये डॉग स्विच लगा हुआ है, सेल्फ स्पीड नहीं घूमता है, इसलिए डॉग स्विच लगा हुआ है इस गाड़ी में। ये डॉग स्विच काम करता है स्पीड ज़्यादा होने में। उसके बाद मैंने ये पाइप लगा लिया, मैंने 13 नंबर पुल से, उसके बाद मैंने लगा रहा हूँ अभी ये मोबिल शो करने वाला जो क्या है तार है, वायर है, इसको फिटिंग करेंगे 7 नंबर बोल्ट से। और मैंने फिटिंग कर लिया 13 नंबर बोल्ट को, जो पाइप लगा हुआ है मोबिल का वो मैंने फिटिंग कर लिया। और कुछ गलती होगा ये तो आपका छोटा भाई समझ कर मुझे माफ़ कर देना, और कभी कभी आपका कमेंट रिप्लाई नहीं देता हूँ तो मुझे आपका छोटा भाई समझ कर भी माफ़ कर देना। तो कभी कभी गलती होता है, किसी हर बंदे को गलती भी होता है कुछ। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और देखते रहिए मेरे वीडियो लास्ट तक। तो आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और आप लोगों को क्या मिला मेरे वीडियो से मुझे पता नहीं, आप लोग देखते रहिए मेरे वीडियो को।